दोस्तों क्या आप भी परेशान रहते हैं? सालों भर कमाते हैं लेकिन दो मुट्ठी धन बचा नहीं सकते हैं। क्या समस्या है? घर में सब ठीक है, घर का वास्तु सब ठीक है, फिर हम कौन सी ऐसी सटीक पूजा, कौन सी ऐसी सटीक साधना करें जिससे हमारे घर में धन का आवागमन बढ़ जाए, हमारे खर्चों पर नियंत्रण होने लगे और हम कितना भी खर्च करें साल के अंत में दो मुट्ठी हर हाल में बचे। यानी धन को नियंत्रित करने वाली कोई एक ऐसी पूजा विधि, कोई ऐसी साधना का अगर हमें पता चल जाता है तो हम सिर्फ उसे ही करके अपने परिवार को खुशहाल बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, साधनाओं की फिर से सीरीज शुरू कर रही हूँ और एक बहुत बहुत और बहुत अच्छी साधना आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मैं इसे बहुत अच्छी साधना इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम सांसारिक जीवन में जीते हैं और हमारे जीवन को चलाने के लिए सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत होती है, तो वो है धन की। तो जी हाँ दोस्तों, धन के लिए आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कुबेर साधना, कुबेर यक्ष साधना, बहुत उत्तम साधना, सात्विक साधना, सरल साधना। और कुबेर भगवान की कृपा हो जाए अगर तो फिर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि इंसान कहां से कहां तक पहुंच जाता है। तो चलिए आज कुबेर साधना बड़े ही सीधे तरीके से सिखाती हूँ, कोई खतरा नहीं, कोई नेगेटिविटी दिमाग में मत रखिएगा, सरल साधना है। प्रसन्न होते हैं कुबेर, भगवान शिव के मित्र भी उन्हें कहा जाता है, भगवान शिव के भक्त भी है वो। तो इसीलिए अगर जो लोग कुबेर साधना करने के इच्छुक है, भगवान शिव को अपना गुरु मान ले, दिल में हमेशा भगवान शिव को जपे, माता लक्ष्मी को प्रणाम करें और चलिए सीखते हैं सरल विधि से कुबेर साधना। सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह और बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन करती हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग, मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों कुबेर यक्ष साधना, अगर आप यक्षिणी की साधना करना चाहते हैं, अगर आप माता लक्ष्मी की साधना करना चाहते हैं तो भी आपको कुबेर साधना पहले करनी ही होगी। कुबेर को सिद्ध कर लिया आपने, प्रसन्न हो गया जो कुबेर यक्ष आपके लिए, तो फिर संसार के समस्त सुखों को आप भोगेंगे, एक राजसी जीवन जिएंगे। चलिए बताती हूँ कि कैसे करनी है यह साधना, किन किन सामग्री की जरूरत पड़ेगी आपको। दोस्तों कुबेर की साधना जो है वो आप सोमवार और बुधवार को प्रारंभ कर सकते हैं, कोई भी सोमवार या बुधवार को किसी भी महीने की, लेकिन आप कृष्ण पक्ष में ना करें, हमेशा शुक्ल पक्ष में ही करें। इसके लिए आपको पीला वस्त्र पहनना है, चौकी पर जो कपड़ा बिछानी है उसका भी रंग पीला ही होगा। अगर किसी कारण से पीले वस्त्र आपके पास ना हो तभी आप सेकंड में लाल रंग के वस्त्रों का उपयोग करें, पर पीला ही पहने, पीला पहने, चौकी पे पीले। एक चौकी चाहिए आपको, एक तांबे का कुबेर यंत्र चाहिए, भोजपत्र नहीं चलेगा। तांबे का कुबेर यंत्र आपने ले लिया, एक पुष्प की माला, पीले पुष्प की माला हो, सुगंधित पुष्प की माला हो चलेगी। आपको दूध लेनी है, बिना टूटा हुआ, बिना खंडित अरवा चावल, अक्षत जिसे कहते हैं, मुट्ठी भर लेनी है, जिसकी ढेर पर ही आपको कुबेर यंत्र को स्थापित करना है। सुगंधित चीजें रखें, तिलक कुमकुम सब रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी है। दोस्तों कुबेर यंत्र के साथ आपको माता लक्ष्मी की तस्वीर भी चाहिए और भगवान शिव की भी। मैंने कहा ना, कुबेर जी को भगवान शिव का मित्र भी कहा जाता है और उनके भक्त भी कहा जाते हैं। तो सबसे पहले कुबेर साधना करने के लिए आपको भगवान शिव की आराधना करनी होगी, विधि विधान से जो आप सक्षम है, जैसे है सरल विधि से भगवान शिव की पूजा कर ले, एक माला उनको ओम नमः शिवाय का जाप कर ले। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। माता लक्ष्मी के लिए अगर आप माता लक्ष्मी की कोई तस्वीर या मूर्ति रखते हैं देन उत्तम, और नहीं रखते हैं तो आप सोने का कोई भी आभूषण रख ले, वो साक्षात माता लक्ष्मी होती है। सोने के आभूषण पे आपको हल्का सा जल चढ़ाना है, थोड़ा सा जल छींटना है पवित्र करने के लिए, लाल कुमकुम से सिंदूर से उन्हें तिलक करना है, अरवा चावल चढ़ाना है, पीली हल्दी का भी तिलक करना है उन्हें, और प्रणाम कर लेना है, कुछ भी मीठा भोग लगा देना है। माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए ही हम कुबेर साधना कर रहे हैं, इस बात को हमेशा मन में रखना है। शिव जी की पूजा आपने कर ली, माता लक्ष्मी की आराधना आपने कर ली, अब आपको गणपति जी की एक माला जप कर लेनी है, ओम गण गणपति नमः का जप कर लेना है, अब आपकी कुबेर साधना प्रारंभ होगी। कुबेर साधना करते वक्त आपकी मुंह की दिशा हमेशा उत्तर हो, मतलब आप उत्तर मुंह ही बैठें। चौकी पे आपने पीला वस्त्र बिछा दिया और चावल की एक ढेर बनाई, अरवा चावल जो आपने लिया है, एक मुट्ठी भरकर आप अरवा चावल ले और ऐसे ढेर बनाएं, और उसी ढेर पर आप तांबे का कुबेर यंत्र स्थापित करें। कुबेर यंत्र स्थापित करने के बाद जल तो आपने छींट दिया, लेकिन सबसे पहले आपको उन्हें
दूध से, कच्चे दूध से रुद्राभिषेक जैसे करते हैं ना, वैसे उन पर दूध चढ़ाना है। आप कुबेर जी पर जब दूध चढ़ाएं, उसी वक्त अपने मन की इच्छा या जिसे हम संकल्प कहते हैं, संकल्प लें। कुबेर जी पर आपने दूध चढ़ाया और दूध ढालते वक्त ही आप मन में बोल लें कि हमारे सांसारिक जीवन को चलाने वाले अगर कोई देवता है, हमारे जीवन की नैया को पार करने वाले कोई अगर है, तो वो कुबेर देवता आप हैं, कुबेर यक्ष जी आप हैं, और आपकी मैं सिद्धि कर रहा हूँ। मुझसे कोई भी अपराध हो जाए, मुझे बालक समझकर क्षमा कीजिएगा, हम सांसारिक लोग हैं, फिर भी मैं हौसला कर रहा हूँ आपकी सिद्धि करने के लिए, आपकी साधना करने के लिए। प्रसन्न होइए, हमारे जीवन में प्रवेश कीजिए। आपने दूध चढ़ा दिया, आप कुमकुम का तिलक लगा दीजिए, उन्हें मिठाई का भोग लगा दीजिए, सुगंधित धूप जला दीजिए, पीले फूल की जो माला आपने लाई है वो आप कुबेर भगवान पर पहना दें, और मन में आंख बंद करके कुबेर जी को जब आप स्मरण करें, तो बिल्कुल उनकी किसी ऐसी तस्वीर को, दोस्तों ये जमाना नेट इंटरनेट का है, आप इंटरनेट पर कुबेर भगवान की कई तस्वीरें देख लीजिए, कैसे गोल मोल सा चेहरा, सोने के आभूषण से लिपटे हुए, कितना सुंदर रूप है उनका। उस रूप को आप बिल्कुल दिमाग में रखिए, जैसे धन से भरा कोई बहुत अमीर इंसान, कोई राजा, बहुत सारे आभूषण पहने हुए, किसी चीज की कमी ना हो, ऐसे रूप को आप हमेशा मन में कल्पना करें, ताकि आपका जीवन भी समृद्धि की तरफ जाए। कुबेर साधना जो होती है वो सिर्फ धन आने के लिए नहीं होती है, धन को बचाने के लिए भी होती है। धन हम बचा पाएंगे, खर्चों पर नियंत्रण कर पाएंगे, तो फिर हम तो स्वतः अमीर हो जाएंगे। तो धन को बचाएंगे, सोने के आभूषण से लिपटे उनके उनकी प्रतिमा को, उनके चेहरे को याद करें, और मन में एकदम प्रफुल्लित रहे, खुश रहे, किसी तरह का टेंशन ना ले। पता नहीं वो नाराज हो गए तो, सिद्ध नहीं हुए तो, हमारी मेहनत बर्बाद हो गई तो, इस तरह की कोई नेगेटिव बात उस वक्त ना रखे, क्योंकि बड़े क्षणिक होते हैं ये यक्ष, बड़े सौम्य होते हैं, लेकिन जरा सा शोर हो जाना, जरी सी नेगेटिविटी बात आ जाना दिमाग में, उन्हें उन्हें ये कर सकती, विचलित कर सकती है, फिर वो चले जाएंगे। इसीलिए वो आपको अनुभव किस रूप में देंगे, आपको प्रसन्नता से अनुभव देंगे। जैसे ही आप ये पूजा विधि शुरू करेंगे, आप ये साधना प्रारंभ करेंगे, आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, हर्षित हो जाएगा, आप बहुत ही खुशी का अनुभव करेंगे। इसका मतलब आपको अनुभव मिल रहे हैं कुबेर साधना की। आपने उत्तर मुंह करके बैठ गए, आप दूध चढ़ा दिया, आपने तिलक लगा दिया, मिठाई का भोग लगा दिया सुगंधित, आपको स्फटिक की माला से जप करनी है। और अगर आप संकल्प लेते हैं तो 11,000 या 1,25,000 मंत्रों का संकल्प ले सकते हैं, नहीं तो आप 11 दिन तक 11-11 माले का जाप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मंत्र आपको बता दूंगी, लिख दूंगी। मंत्र बिल्कुल सही से रट लीजिएगा, पेज पर लाल कलम से लिख लीजिएगा, ताकि जरा सी भी चूक ना हो। आप 11 दिनों तक 11-11 माला का जाप करें, सात्विक जीवन जिए, बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी से लड़ाई झगड़ा द्वेष मन में ना रखें। कम से कम इसे 11 दिन तो बिल्कुल शांति से घर में बिताएं, बाहर निकलना हो तो निकलिए, ज्यादा किसी से बातचीत, झगड़ा, झंझट, किसी तरह की नेगेटिव बात, धन के देने लेने का कोई कार्य ना करें। 11 दिन आप ऐसा मन में सोचे कि मैं माता लक्ष्मी की पूजा कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ कुबेर देवता की, तो वो हमारे घर को संचय करेंगे, धन संचय करेंगे। ऐसे अच्छे भावना से आप कुबेर जी की साधना करें और ईश्वर करें, मैं प्रार्थना करती हूँ, आप जितने भी लोग साधना कर रहे हैं, अच्छे मन से कर रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ कर रहे हैं, ईश्वर आपकी साधना को जरूर सफल करे, सिद्ध करे। साधनाओं से संबंधित कोई भी प्रश्न मन में हो तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, मैं कोशिश करूंगी उसका जवाब देने के लिए। नए व्यूवर्स जो भी चैनल पर आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर रोज लेकर आती हूँ जिंदगी को बदल देने वाले कुछ अद्भुत चमत्कारिक टोटके व उपाय, और सिखाती हूँ ढेर सारी साधनाएं। दोस्तों आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और कोई भी बात हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, बहुत बहुत धन्यवाद।